सब्सक्राइब करिए आर्यवर्त इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये एकदम फ्री है। दोस्तों, तांबा एक ऐसी धातु है जिसे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है। सभी जानते हैं कि तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें तांबे के बर्तन में रखना और फिर उनका सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें आपको तांबे के बर्तन में कभी भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर जो पहली चीज़ है वो है दही। दही को तांबे के बर्तन में रखना और उसका सेवन करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है और कसैला स्वाद, घबराहट या जी मचलाने जैसी समस्या पैदा कर सकता है। इसके साथ ही दूसरी चीज़ है नींबू। नींबू का रस, नींबू पानी या फिर नींबू को किसी भी रूप में अगर आप तांबे के बर्तन में रखते हैं तो इसमें मौजूद एसिड तांबे के साथ क्रिया करता है जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ पे तीसरी चीज़ है सिरका। सिरका एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ है जो इसे आप तांबे के बर्तन में या उसके साथ रखते हैं तो उसके मेल से होने वाली रासायनिक क्रिया आपकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक प्रभाव डालती है, हानिकारक है। यहाँ पे जो चौथी चीज़ है वो है अचार। अचार में भी सिरके का प्रयोग किया जाता है, अतः इसका प्रयोग तांबे के बर्तन में कभी भी ना करें। इसके अलावा भी अचार में मौजूद खटाई तांबे के साथ मिलकर आपकी सेहत के लिए जहरीले रसायन बनाती है जो कि आपको बेहद नुकसानदेह हो सकते हैं। यही जो पांचवी चीज़, छाछ का प्रयोग सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका प्रयोग कभी भी तांबे के बर्तन में रखे होने के बाद ना करें। मतलब कुल मिलाकर वो चीज़ें जिनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है या जो स्वाद में खट्टे हो, उन्हें तांबे के बर्तन पर आप ना रखें तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों जो जानकारी आपको दी गई है वो आपके काम आई होगी। मिलते हैं आगे ऐसी किसी वीडियो आर्यवर्त इंडिया .com।